झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जेएमएम के महुआ मांझी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम के राज्यसभा कैंडिडेट की घोषणा की है। इससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। बीजेपी ने आदित्य साहू को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव 10 जून को होना है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले जेएमएम विधायक दल की बैठक रांची में हुई थी। इसके बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि झारखंड राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में अपना प्रत्याशी उतारेगा। वहीं यह खबर भी सामने आई थी कि सोनिया गांधी से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भी चर्चा थी, लेकिन आखिरकार टिकट महुआ मांझी को दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आइए तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।